आखिरी ओवर में जब डेनियल सैम्स गेंदबाजी करने के लिए आए और बल्लेबाजी कर रहे थे वहां पर दिनेश कार्तिक, तो पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद पर चौका और भारतीय टीम को दिनेश कार्तिक ने मैच जिता दिया। और ये बड़ी जीत है और इसी जीत के साथ ही दिनेश कार्तिक ने हुनकार भी भर दी है और इन्होंने कहा है कि आगे भी टीम इंडिया इसी तरीके से परफॉर्मेंस करती हुई नजर आएगी। आपको बता दें कि एग्जैक्टली क्या बात कही दिनेश कार्तिक। उन्होंने कहा कि देखिए, जब मैं बल्लेबाजी करने के लिए आया था तो रोहित शर्मा ने मुझे जरूर हेल्प की, बताया कि भाई इस तरीके की गेंदबाजी हो रही है, कटर्स गेंदबाजी कर रहे हैं, बार बार गेंदबाज इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको कैसी बल्लेबाजी करनी है, लेकिन मैंने भी कुछ अपना प्लान बनाकर आया था और मैंने उसे एग्जीक्यूट सही तरीके से किया। दो गेंदों में मैंने 10 रन बनाए, अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने की है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही कि जो मोमेंटम हमने अब हासिल किया है उसे कंटिन्यू करना है। इस समय सीरीज 1-1 की बराबरी पर है और अब नो टाइम, यानी कि आपको अगले ही दिन यानी कि संडे को फाइनल मैच खेलना है और ऐसे में दिनेश कार्तिक ने कहा कि इस मोमेंटम को बनाकर रखना है, यानी कि जो 1-1 का जो स्कोर लाइन है उसे किसी भी हाल में भारत के पक्ष में 2-1 करना है। और साथ ही उन्होंने तारीफ की है जसप्रीत बुमराह की कि उनका वो कमबैक कर रहे हैं लेकिन अच्छी गेंदबाजी करके दिखाए। उन्होंने तारीफ की अक्षर पटेल की लेकिन दिल खोलकर तारीफ कर दी द हिटमैन रोहित शर्मा की। उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा की जिस अंदाज में उन्होंने आज बल्लेबाजी की है उसकी वजह से आज हम मैच जीते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि दिनेश कार्तिक भी लय में आ चुके हैं, जिस तरीके से मैच को फिनिश किया अब बार बार उनको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। एंड फॉर श्योर जो उन्होंने बात कही है कि इस मोमेंटम को हमें बनाकर रखना है, यानी कि 1-1 की बराबरी हमने सीरीज में जरूर कर ली है लेकिन ये हमारे लिए अभी इनफ नहीं है, सीरीज हमें जीतनी है। और उसके लिए दिनेश कार्तिक ने जो अंदाज में आप बल्लेबाजी करके दिखाई है, जिस अंदाज में रोहित शर्मा ने खेल करके दिखाया, उसी को लेकर दिनेश कार्तिक ने कहा कि हमें इस मोमेंटम को आगे लेकर जाना है, यानी कि 1-1 की जो बराबरी है उसे 2-1 में कन्वर्ट करना। और मेरे ख्याल से अगर भारतीय टीम इसी तरीके से खेलती रही और एक जो एग्रेशन हमने देखा 8 ओवर के मैच में नागपुर में, अगर उसी अंदाज में टीम इंडिया ने खेलकर दिखा दिया तो शायद 2-1 से हम सीरीज जीतते हुए नजर आ जाएंगे। क्या आपको लगता है कि वाकई में जो दिनेश कार्तिक ने बात कही है उस बात में दम है, क्या हम ऑस्ट्रेलिया को हरा पाएंगे हैदराबाद में, या आपको लगता है कि नहीं ऑस्ट्रेलिया को हराना बड़ा मुश्किल होगा, इस समय सीरीज 1-1 की बराबरी पर है एंड भारतीय टीम के लिए सीरीज जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके मन में क्या चल रहा है, आपकी क्या राय है, आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।